भाग ले भाग रहे भाग 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 रहे भाग ऊपर 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 भाग रहे अरे अरे तुम्हारा कुआरी 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 बंद करा कुआरी दोस्तों हमको फटाफट के अंदाज में सूचना मिली और हम लोग जौनपुर सिटी से बहुत तेजी से दोस्तों रेस्क्यू करने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि सेफ्टी के साथ में ये मिर्जापुर के पावन सरजमी पर जाना है। एक घर के अंदर दोस्तों गिर भालू आप समझ सकते हैं। कल से ही वहां पर लखनऊ की टीम भी पहुंची हुई है और हालात वहां के दोस्तों काफी खतरनाक है। ऐसे में मुझे सूचना मिली और हम अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं और चंद मिनट के अंदर दोस्तों आप फटाफट के अंदाज में नजर जमा रखिएगा। आज तो कुछ भी हो सकता है। ये प्रकाश भाई जैसे हम वहाँ दिखा हुआ दिखा रहे हैं एक्चुअल में हुआ क्या कि कल रात में हम अंदर पीड़ित में आ गया लेकिन किधर का पटरा अच्छा अंदर किया गया और तब से डर गया जैसे नहीं निकल पा रहा है उस तरफ खिड़की से इशारा करें तो आ जाएगा अंदर। बाहर एक बार दिखा दीजिए सर। जी मुरली वाले इनका प्रशंसन कार्य रहा था। बहुत ही क्रिटिकल आप जाके शाम को करो जहाँ पे कोई नहीं पूछ पाता कल आया एक ही बार उसको लगाया जाता है एक बार में सही से तक दोबारा मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? जी सर मुगले वाले कहाँ के रहने वाले? जौनपुर सिटी से। मैं तो हाँ जी आपको हमें कैसे मिल गया क्या लोग बताए कि हमारे घर में भालू आ गया है प्रशासन निकल जाए कोई भी जाना भालू पकड़ लेते हो सबसे खतरनाक तो सांप होता है जिसके काटे सांप तो खैर ये पिंजरा उसके लिए काम कारगर होता है। और सबसे बड़ी बात यह सर अगर आप लोगों का आशीर्वाद से कुछ हो नहीं सकता यार आपने इस चूंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो बाकी लोग अभी ट्रेंड नहीं है ट्रेंड सब है ये भागेंगे उसको मारेंगे। नहीं मारना नहीं चाहिए जितने आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तब आप उसको कहाँ बचा रहे हैं तब तो आप सही इतनी मोहब्बत से हाथ लगाइए वो खुद आपके पिछड़े में आ जाए। चलो ऐसी मंगाना
मिला चलिए 15-20 घंटे का टाइम जा रहा है, हमारे चीफ साहब आ रहे हैं, उनके ऑर्डर पे इंजेक्शन रेडी है, वो लगेगा फिर आराम से उसको निकाल दिया जाएगा। अभी वो ऊपर बैठा है, एक चांस बचा, अगर वो ऊपर से नीचे आ जाएगा तो फिर इंजेक्शन भी नहीं लग पाएगा। तो हमारा आपका ये कर्तव्य बड़ी शांति के साथ थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा कब दिखा था आपको? 4 बजे शाम को, 4 बजे। तो दोस्तों उसको अच्छे ढंग से बाइज्जत इज्जत के साथ में बगैर छेड़छाड़ किए निकालने का प्रयास चल रहा है, तो हम लोग लगे हुए उसी में, और हमारे चीफ साहब आ रहे हैं, उसके बाद उसे इंजेक्शन दिया जाएगा फिर निकाला जाएगा, क्योंकि जितने प्रयास थे वो लगभग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, वो निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी सुस्त हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों गाँव के लोग उसको थोड़ा आशीर्वाद भी दे दिए हैं, क्योंकि कहीं पर भी इस प्रकार के बिजवान अगर जाते हैं तो थोड़ा हलचल मस्ती है, लोग भयभीत होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के बचाव के लिए या स्वयं के बचाव के लिए, तो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ होता है, और वो पूरी तरीके से थक चुका है, इसलिए बड़े आराम से घर के अंदर जो एक पाटा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, टाँड, यहाँ पर टाँड बोलते हैं, उसी के ऊपर आराम से बैठा हुआ है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू। दोस्तों आप ये देख सकते हैं काफी प्रयास हुआ था और जो भालू था उसको हमने रेस्क्यू भी नहीं कर पाया है, जाल ये पिंजरा लगा हुआ था, कीड़े को बाहर कर रहे हैं, दूसरा प्रयास जारी है और वीडियो के साथ बने काफी अधिक प्रयास भी हुआ है। प्रशासन महोदय और यहाँ के फॉरेस्टर महोदय, DFO, RFO, तमाम पदाधिकारीगण मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में एक बेजुबान की जान बचाई जा रही है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पिंजरा लगा हुआ था और उसके अंदर भी भालू आ नहीं पाया। हमारे प्रशासन महोदय भी हैं, फॉरेस्टर महोदय भी हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं जो उसको ट्रैंक्विलाइज करते, लेकिन दोस्तों यहाँ से पिंजरे को हटा दिया गया है क्योंकि पिंजरा लगा हुआ था, इसी के अंदर वो भालू बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों वो बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, सरल है, लेकिन गाँव के लोग उसे थोड़ा सा छेड़छाड़ करके इतना ज़्यादा उसको एग्रेसिव कर दिए हैं, दौड़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव हो गया था, इसी के अंदर बैठा हुआ। जैसा कि आपने अंदर से देखा हो, ये पूरी तरीके से गेट लॉक है। एक नई प्रक्रिया के साथ अब हम उसे बाहर निकालेंगे। यह एक छोटा सा परिवार है और छोटी सी खुशियां हैं। इस परिवार के अंदर दोस्तों 5 से 6 लोग रहते थे, हालांकि सब कोई सेफ है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। चलिए दोस्तों हम उसको निकालेंगे और आपको भी दिखाएंगे और हम लोगों के साथ जो ये दोस्तों रेस्क्यू का ऑपरेशन जो समय चल रहा है लगभग 24 घंटे पहले से ही। कल कितने बजे से आए होंगे सर आप लोग? 4 बजे शाम 4 बजे। अच्छा सर, दोस्तों ये शाम 4 बजे कल से और आज भी शायद शाम 4 बजने वाले हैं, 24 घंटे होने वाले हैं। आपको दिखाते हैं, काफ़ी कड़ी प्रयास के बाद बड़ा ही जद्दोजहद हुआ। दोनों आ गया, आने वाला डंडा है यहाँ पर।
आप भी रहे बड़ी शांति 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 जो चार लोग ऊपर वाले जाए पहले चार लोग ऊपर वाले जाइए राइट मैन है हाँ 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 कैमरा मैन अभी पास आए सही लेता वैसे नहीं टावर जल्दी रुकिए अभी क्यों जाएं बिल्लू भाई एक मिनट के लिए भाई चला लो अंदर मत जाओ सब लोग नहीं है सब लोग इसकी कोई जरूरत नहीं देखिए मालिक जी बंद कर दो डार्क वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है सीधा चल घर से आप हो गए निकल आओ चलो कोई जरूरत जल्दी जल्दी फास्ट आपका सहयोग कल से दिखा दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आप सेफ हो गए यहाँ भी पकड़ा था क्या हाँ हाँ अच्छा ये नाखून लगा था कि ना पंजा भी लगा पीछे लगा आप क्या कर रहे थे इसके साथ हम देखने के लिए उसके पास कुछ दूरी पे और बता रहे कि रिटर्न आया देख नहीं पाया तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर करके एक अपना योगदान दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि मिर्ज़ापुर की पावन सरजमी है ये वीडियो आपको कैसा लगा आप भी बेजवानों को बचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा थैंक यू जय हिंद जय हिंद वापस जाएंगे दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसी के अंदर भालू अभी सो रहा है एक्टिव होने वाला है चलिए थैंक यू भालू को रेस्क्यू करके लालगंज यहाँ पर दोस्तों जो रेंज है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में यहाँ पर आ चुके हैं अंदर गाड़ी खड़ी हो चुकी है दोस्तों इसे ले जाएंगे आज शाम को ही रिलीज़ करेंगे फॉरेस्टर महोदय डीएफओ आरएफओ सब लोग अंदर आइए प्लीज़ कम आपको अंदर भी लेके चलते हैं तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से अब एक्टिव हो चुका है इसको कोई दिक्कत नहीं है बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं
दोस्तों अब ये पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। सर जी ने इसको थोड़ा स्नान भी करा दिए, पानी भी पिला दिए और आज रात में 10 बजे रिलीज करेंगे। काफ़ी समय है अभी रात 10 बजने में, और तब तक आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से बेजुबानों को बचाते हुए। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिएगा और आप भी बेजुबानों को बचाने में इस प्रकार की टीम का हेल्प कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अगर कहीं त्रुटियाँ हुई हैं इस बेजुबान को बचाने में। थैंक यू सर। आप लोगों को कुछ कहना है? सही है ना? ठीक है।